कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर DTH टच पर। आज की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे चार ओल्ड टीवी चैनल के बारे में, जिनमें से स्टार उत्सव, सोनी पाल, कलश रिश्ते और जी अनमोल, जिसके बारे में जान के पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी कि एक बार फिर से चारों के चारों चैनल डी डी फ्री डिश पर वापसी करें। लेकिन ये चैनल अभी तक डी डी फ्री डिश पर क्यों नहीं आई, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अपनी अच्छी लगे तो वीडियो अपनी फ्रेंड के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लेना, जिससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन आए, उसके बाद उस वीडियो को भी आप देख पाएँ। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिस भाई को कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकता है। उम्मीद है कि उसको भी अब वीडियो बनाकर आपको हम उसकी भी जानकारी दे पाए, और वीडियो को लाइक करना तो आपका बनता ही है। चलो करते हैं वीडियो का टॉपिक स्टार्ट। आज बात होगी चार ओल्ड चैनलों के बारे में, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार ई ऑप्शन पर इसमें किसी भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि चारों के चारों चैनलों ने अभी तक डी टी फ्री डिश पर एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी। जो जो चैनल ने एप्लीकेशन सबमिट की थी उसके बाद जो जो चैनल इस बार स्लॉट जीते हैं, वो चैनल आपको 1 अप्रैल से डी टी फ्री डिश पर देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे बात करें तो स्टार उत्सव की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ये चैनल एक बार फिर से वापसी करे, लेकिन इस चैनल ने भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी। लेकिन जो पहली ई ऑप्शन हो गई है उस पर कलश रिश्ते ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद जब इसको स्लॉट ऑन हो चुका था उसके बाद ये चैनल डी डी फ्री डिश पर उतारा नहीं गया, क्योंकि जो प्राइवेट डी टी एच ऑपरेटर हैं उनके द्वारा से यानी कि इस पर दबाव पाया गया था कि आप डी टी फ्री डिश पर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप डी डी फ्री डिश पर जाएंगे उसके बाद हमें भी अपने चैनल पर बिल्कुल एफटी चैनल दिखाना पड़ेगा। इसकी वजह से यानी कि चैनल पार्टिसिपेट तो किया था, स्लॉट भी ऑन किया था, लेकिन डी टी फ्री डिश पर देखने के लिए नहीं मिला था। उसके बाद उम्मीद थी कि जो नेक्स्ट ऑप्शन की जाएगी उस पर ये चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन चारों के चारों चैनल इस बार ई ऑप्शन पर फिर से दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किया था। किसी ने भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी, इसकी वजह से चैनल डी टी फ्री डिश पर ऐड नहीं हुए। आगे बता सकते हैं कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट ऑप्शन की जाएगी उस पर ये चैनल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्लॉट अवेलेबल नहीं है कि आने वाले समय में आपको ई ऑप्शन हो जाए। लेकिन हो सकता है 1 साल बाद फिर से दोबारा ई ऑप्शन की जाएगी, क्योंकि जो भी नया चैनल आता है 1 साल के बाद उसकी दोबारा यानी कि ई ऑप्शन की जाएगी। उसके बाद जो जो चैनल स्लॉट ऑन करेगा वह चैनल आपको डी डी फ्री डिश पर देखने के लिए मिल सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही है कि हो सकता है 1-2 मंथ बाद नए से नए स्लॉट बढ़ाए जा सकते हैं डी डी फ्री डिश पर, यानी कि नई डीपी लॉन्च हो सकती है, नए स्लॉट बढ़ाए जा सकते हैं, उसके बाद चैनल आने वाले समय में चैनल डी डी फ्री डिश पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि इसके जो आपको सीरियल हैं और किसी चैनल पर देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि आपको बता दूँ कि सन नेटवर्क की ओर से सन नाउ एक नया चैनल आ रहा है, उस पर भी बहुत सारे हिंदी आपको सीरियल देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पे आपको हो सकता है सोनी पाल के या स्टार उत्सव या कलश रिश्ते के कोई सीरियल देखने के लिए मिल सकते हैं, वो भी आपको 1 अप्रैल से डी डी फ्री डिश पर लॉन्च हो जाएगा। जितनी की जानकारी मिली थी आपके साथ वीडियो बना के शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बस बस शेयर कर देना। मिलते नहीं वीडियो के साथ, आप देख रहे हैं डी टी एच।